नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश, फिर चौंकाएंगे मोदी। और ये बात इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा के जो नतीजे आए, बीजेपी को मैसिव मैंडेट मिला, लेकिन अभी तक सीएम के चेहरे पर सस्पेंस है। महाराष्ट्र के नए सीएम के नाम पर जारी सस्पेंस आज खत्म हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। कल एकनाथ शिंदे ने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी जिसे भी सीएम बनाना चाहे, शिवसेना उसका समर्थन करेगी। शिंदे ने साफ कर दिया कि उन्हें पीएम मोदी और अमित शाह का हर फैसला मंजूर होगा। इस बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौर जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज शाम 4 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। गृहमंत्री अमित शाह के साथ महायुति के नेताओं की बैठक है और मुख्यमंत्री को लेकर मंथन भी। शिंदे द्वारा खुद को सीएम पद की रेस से बाहर कर लेने से देवेंद्र फडणवीस रेस में अब सबसे आगे हो गए। हालांकि अगला सीएम कौन होगा, इसे लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। नए मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के लिए दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी महासचिव विनोद तावड़े के बीच एक अहम बैठक हुई है। ये मीटिंग करीब 40 मिनट तक चली। केंद्रीय नेतृत्व को महाराष्ट्र में गैर मराठा मुख्यमंत्री बनाए जाने पर मराठा समुदाय के नाराज होने की चिंता है, इसलिए इस बात पर चर्चा हुई कि अगर राज्य में फिर से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मराठा वोटों को किस तरह बरकरार रखा जाए। आज शाम को अमित शाह फिर से दिल्ली में बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कार्यवाहक सीएम शिंदे, बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार तीनों मौजूद रहेंगे। उम्मीद की जा रही है कि शाह की बैठक के बाद सीएम के नाम का ऐलान हो सकता है। एक तरफ एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की, तो वहीं एनसीपी नेता छगन भुजबल और गिरीश महाजन ने मुंबई में देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। इन सबके बीच खबर है कि अब सीएम की कुर्सी को लेकर मंत्रालय और खासकर अन्य मंत्रालयों को लेकर भी रोडमैप तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार में बीजेपी को 20, शिवसेना को 11 से 12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम के ओहदे पर महायुति की नई सरकार में कौन कौन चेहरे होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। शिंदे की घोषणा के बाद शिवसेना के नेताओं ने जोरदार मांग की कि वह मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन ने उनके नेतृत्व में शानदार जीत हासिल की है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि शिंदे के इस कदम से नई सरकार के शपथ लेने का रास्ता साफ हो गया है। संभावना है कि बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। ठाणे में अपने घर पर एक खचाखच भरे संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिंदे ने कहा कि वह अगले मुख्यमंत्री के नाम के लिए बीजेपी नेतृत्व के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करेंगे और इस प्रक्रिया में बाधा नहीं बनेंगे। उधर बीजेपी ने पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह को महाराष्ट्र का केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया है। लगातार हो रही बैठकों के बीच अब देखना होगा कि बीजेपी फडणवीस के नाम का ऐलान करती है या फिर राजस्थान और मध्य प्रदेश की तरह किसी नए चेहरे के नाम को आगे करती है। तो और अब कौन सा चौंकाने वाला नया नाम हो सकता है, वह नाम जो रेस में सबसे आगे है फिलहाल, वही नाम सामने आएगा। इसके ऊपर जो संशय है वो संभवतः आज उसका पटाक्षेप हो जाएगा। लेकिन इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर प्रवक्ता बात की जाए तो आलोक वत्स साहब जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की तरफ से बतौर प्रवक्ता संजय द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं। तो वहीं यदि बात की जाए शिवसेना शिंदे गुट की, तो वहां से बतौर प्रवक्ता हमारे साथ
भरोट साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले आते हुए वत्स साहब आप ही के पास, देखिए अब तो जो भी बाधाएं अड़चने थी वत्स साहब, हालांकि अड़चने खास तौर पर यदि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सहयोगी की बात करें तो कम ही अब देखने को मिलती हैं, लेकिन खैर फौरी तौर पर जो भी अड़चने थी उन अड़चनों ने संभवतः कल हथियार डाल दिया है, जिसके नाम पर काफी हद तक चुनाव लड़ा गया, उन्होंने सरेंडर कर दिया और अब उन्हें बीजेपी का नया चेहरा स्वीकार्य है। ऐसे में ये जो चेहरा है इसको लेकर अब क्या सस्पेंस है वत्स साहब? क्या फडणवीस के अलावा भी कोई और नया चेहरा सस्पेंस के तौर पर एंट्री मार सकता है? क्या ऐसी गुंजाइश संभावना है? क्योंकि बीजेपी की ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह हो चुका है, तो क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा कुछ होगा या फिर औपचारिक ऐलान का महज बाकी है फडणवीस के नाम का? वत्स साहब देखिए कुणाल जी, लोकतंत्र में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महायुति की सरकार को प्रचंड बहुमत से उनका उनके यहाँ शासन करने का मौका दिया। हम 132 सीट पे उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हिंदेज ग्रुप को 57 सीट पे आशीर्वाद दिया और अजीत पवार को 41 सीट पे। तो नेचुरली हम सबसे बड़े दल हैं तो हमें उसको उसका मुख्यमंत्री सिर्फ मिलना चाहिए स्वाभाविक रूप से। और मैं शिंदे जी के इस ज्ञान का स्वागत करता हूँ जहाँ उन्होंने ये जाहिर किया कि हमारे उनकी तरफ से कोई रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, जो भी बीजेपी से इस नेतृत्व का फैसला होगा वो उनको भी स्वीकार होगा। और परिस्थितियां भी कुछ ऐसी ही है। दूसरी चीज आपने उड़ीसा में देखा, आपने राजस्थान में देखा, आपने मध्य प्रदेश में देखा, हमने नए चेहरों को मौका दिया है और अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग। हरियाणा में भी देखा, हरियाणा में भी देखा आपने नायब सैनी को। हाँ। तो जब ये फैसला शीर्ष नेतृत्व के पास है तो हम लोगों का इस पर कोई आकलन करना या कोई बखरब देना बेमानी होगा। ये मान के चलिए कि आज शाम तक शीर्ष नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो फडणवीस जी को रिपीट करते हैं या कोई नए चेहरे को आगे लाकर शासन करने की बात करते हैं। पहले तो वत्स साहब आप सहयोगियों की दिल की धड़कने बढ़ा रहे थे, अब तो फडणवीस साहब की भी दिल की धड़कने बढ़ाने लगे हैं। बताइए भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर मुहर लगी, अब उसमें भी सस्पेंस कि आपने पत्ते खोल दिए कि या फडणवीस या कोई और? देखिए कुणाल जी, नरेंद्र मोदी जी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते और ये फैसला चौंकाने वाले फैसले हम छोटे नेताओं को के दिल में उम्मीद की किरण जगा देता है कि शायद हमारा भी नंबर आ सकता है। किसी की बपौती नहीं है किसी सीट पर। अच्छा, तो देखिए शाम तक आपको फैसला आ जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन शिंदे साहब ने मानने में थोड़े थोड़े रूठे से लगे, मानने में थोड़ी देर तो कर ही दी, लेकिन अंततः मान गए। बात सही है, विकल्प भी शायद उनके पास इसके अलावा कुछ होगा नहीं, और अगर विकल्प होते तो नहीं पूछ लेते हैं बोराटे साहब। हाँ, बोले। मैंने दबे जुबान में आपसे कहा ना, हाँ परिस्थितियां भी कुछ ऐसी है। हाँ नहीं, ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल वाजिब कह रहे हैं। बोराटे साहब देखिए, अब आपने कल सरेंडर तो कर दिया आपके नेता ने, तो परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि आप उस चीज को डिमांड भी नहीं कर सकते थे। भाई आप नंबर टू की पार्टी थे तो नंबर टू ही में रहिएगा ना, आप नंबर वन कैसे बन जाइएगा? स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी मैसिव लीड में आपके साथ है, भले ही आपकी सहयोगी हो। ऐसे में चलिए कल तो सरेंडर हो गया, अब आप बता दीजिए कि आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन है अगला मुख्यमंत्री को लेकर भारतीय जनता पार्टी में से, फडणवीस साहब या कोई और? बोराटे साहब, मैं शिवसेना का सदस्य हूं मैं, तो बेशक मेरा मन चाहेगा कि फिर एक बार एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री पद देना चाहिए। वो मौका आपके नेता ने अब छोड़ दिया जी,
उन्होंने कल वो उन्होंने बोला है कि आगे जो भी केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा हम उनके साथ है। अगर दूसरी पसंद भी हम चाहेंगे तो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, अच्छा, इनको ही संधि मिलनी चाहिए कि मुख्यमंत्री पद के लिए। बहुत हुशार है, बहुत अभ्यासु नेतृत्व है वो, और उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने बहुत अच्छी विकास की गंगा आगे ले ले मतलब ले जा चुके हैं। तो हमारा भी यही रहूंगा कि एक बार फिर एक बार देवेंद्र जी को सीएम करना चाहिए। ठीक, अच्छी बात है, आपने बिल्कुल स्वाभाविक तौर पर कहा है। हमारे साथ द्विवेदी साहब भी जुड़े हुए हैं। द्विवेदी साहब, अब देखिए, अब पाले से गेंद तो निकल गई, चलिए ठीक है, आप विपक्ष में हैं, लेकिन आपने भी कहीं ना कहीं यह इशारा किया कि खैर मुख्यमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का ही होना चाहिए, तो अब उस पर मुहर लग गई है। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है, खामखा ही सही, लेकिन जब तक पर्ची में नाम निकलकर सामने नहीं आता है तब तक तो यह बाजार गर्म ही रहेगा। ऐसे में आपका आकलन क्या कहता है द्विवेदी साहब, कि आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फडणवीस दोबारा या नया चेहरा? देखिए, आपने पूछा है, धन्यवाद आपको कुणाल जी। हम तो ये देख रहे हैं जिस कारण शिंदे जी वहां से निकले थे शिवसेना से, कि उनको मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाए थे, आज मुख्यमंत्री बनने के बाद इनकी वही हत हो रहा है जो उद्धव ठाकरे ने कहा था हमको पार्टी ने धोखा दिया। आप याद करिए कुणाल जी कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी सम्मेलन प्रस्तावित की थी, उसमें स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री के हमारे शिंदे जी हैं, हम इन्हीं के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। अरे उसमें देवेंद्र फडणवीस या किसी के नाम घोषित कर देना चाहिए था। अगर ये इनको अगर बनाना था किसी दूसरे को तो गफलत में शिंदे जी को क्यों रखा? मैं ऐसे में कहना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मजबूरी में कहना पड़ता, क्योंकि धोखा देने की इनकी आदत शुरू से, जिसको शायद शिंदे जी समझ नहीं पाए। इन्होंने मजबूरी में बना दिया था 2019 बाद इनको मुख्यमंत्री 2.5 साल का, वो उनकी बात समझ अब आनी चाहिए कि सर उन्होंने धोखे में बनाया था इनको, किसी मजबूरी में बनाया था, तो आज देखिए जहां इनकी भाई उसमें पड़ते थे उसमें हमने क्यों बना दिया मुख्यमंत्री। 105 साल के बाद विधायक थे, अपनी बड़ी पार्टी थी जिसकी जैसी अभी कह रहे जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, अभी बीजेपी को प्रवक्ता ने कहा तो मतलब पड़ रहे आप विधेयक को बाप बना लें, और जब मतलब निकल जाए तो हम चूज के अब गुठी तरह बाहर फेंक दें। ये कौन सी भाई है, ये तो हम नहीं समझ पाते। आप पूरे चुनाव पर जो है शिंदे जी के संग चलते रहे, शिंदे जी के संग आगे पीछे घूमते रहे, जब उनको दोबारा बनने का मौका आया तो आपने उनको धीरे से बाहर निकाल दिया। तो ये तो शिंदे जी को सोचना चाहिए कि इंदिरा गांधी के वो सूचना छोड़ के क्यों गए थे। भाई हमसे इनसे ज्यादा आज वो दिल्ली भाग रहे हैं, आज दिल्ली भागम भाग लगे हैं, अमित शाह मोदी जी उनके वो हो गए, मने के रखता उनके होने चाहिए कोई बात नहीं। लेकिन आज जिस तरह उन्होंने कल इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया कहा उन्होंने, और उन्होंने एक शब्द और कहा, देखिए जो शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे कह रहे थे, उन्होंने कल कहा जो सपना हिंदू से सम्राट बाला साहब ठाकरे को शिवसैनिक में मुख्यमंत्री बनाने का की देखा था वो पूरा हुआ। तो यही तो मांग कर रहे थे उद्धव ठाकरे, और शिंदे जी को महाविकास अघाड़ी में उन्होंने प्रपोज भी किया था, मैंने कैसे काम के पास भेज दिया है, शर्मा जी के पास भेज दिया, अगर उनसे आप कैसे ले रहे, मैं ये सुना के आपको निकाल दूं यहाँ, वो कैसे सुन लीजिए। उन्होंने इनके जो प्रदीप केलकर जी है, उन्होंने साफ साफ कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, हम महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी का नाम लिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन वो बन नहीं पाए। ठीक, आज अजीत दादा बन नहीं पाए और उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। जो ये बराबर चिल्लाते रहे लोग मारुति के लोग कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए गए थे, अब शिंदे जी से पूछ रहे हैं हमारे पास नहीं। अब दूसरी बात मैं कहता हूँ, आज अजीत 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 जब अजीत पवार ने इनको समर्थन दे दिया बीजेपी को, हाँ तो शिंदे जी की जरूरत कहाँ बची? नहीं, ठीक है, आपने एक पॉइंट मैं समर्थन दे रहा हूँ, द्विवेदी साहब कोई मतलब नहीं था। द्विवेदी साहब नहीं, ठीक है, आप मैं समझ गया, आपने एक पॉइंट उठाया तो इस पॉइंट को हम छोड़ेंगे नहीं साहब। लेकिन देखिए, माना कि जो बीत गई सो बात गई, वो अलग बात है, लेकिन बात फिर से उड़कर आई है तो चलिए इस पर एक बार बात जरूर कर लेते हैं। वत्स साहब, ये बात तो स्पष्ट है कि चलिए कहीं ना कहीं शिंदे साहब की अगुवाई में पूरे विधानसभा चुनाव को लड़ा, और परिणाम आने के बाद शिंदे साहब ने यह बात कहा कि किसकी कितनी संख्या होगी इसके ऊपर मुख्यमंत्री फेस को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई थी, तब तक वो डाउटफुल थे, हालांकि कल उन्होंने हथियार डाल दिया। ऐसे में सर,
ये बात नहीं सही है कि चलिए जिसके नाम पर आपने चुनाव लड़ा या उसे आगे बढ़ाया, प्रोजेक्ट किया, अब जब संख्या बल आपके पास आ गई है तो आपने उसे साइडलाइन कर दिया। ये बात जो द्विवेदी साहब ने उठाया, ये बात पर आपकी क्या राय है? देखिए कुणाल जी, हाँ, पहले तो मैं ये गलत फहमी दूर कर दूं, ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में रहा है। नाम तो शिंदे साहब का भी प्रोजेक्ट किया गया था। देखिए शिंदे साहब का नाम प्रोजेक्ट, तो अजीत पवार साहब का भी नाम प्रोजेक्ट हुआ, देवेंद्र फडणवीस का भी नाम प्रोजेक्ट हुआ। भाई जब प्रोजेक्ट होगा, चुनाव रैलियां होगी, तो इन सब नाम प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं ना कि हमने कोई चीफ मिनिस्टरशिप तय कर दिया। और अभी भी हो सकता है केंद्रीय नेतृत्व शिंदे साहब का नाम अनाउंस करवा, ये कहाँ लिखा हुआ है कि बीजेपी का ही अनाउंस होने जा रहा है? अरे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप तो मतलब तमाम महाराष्ट्र की जनता के भी दिल की धड़कने बढ़ा देंगे। मैंने आपसे कहा ना, हाँ, चौंकाने वाले हरकतें तो मोदी साहब बहुत दफा कर चुके हैं। तो फिर हथियार क्यों डलवा? ए नहीं नहीं वत्स साहब, फिर हथियार कल क्यों डलवा दिए आपने शिंदे साहब? अच्छा ठीक है, समझ गए। हथियार हमने नहीं डलवाए, हथियार उन्होंने स्वयं डाले, हमने नहीं डलवाए। हमने उनको कोई दिल्ली नहीं तलब किया, हमने कोई किसी नेता से उनको नहीं करवाया कि आप ऐसा बयान दीजिए। ये उनके अंदर की उनकी जागृति है। परिस्थितियां भी, कह रही हैं। 132 लोगों की भावनाओं, 132 कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की भावनाएं, बस, और 57 लोगों की कॉन्स्टिट्यूएंसी की भावनाएं में फर्क है ना? नहीं, बिल्कुल फर्क है। तो चलिए और इसी फर्क को हाईलाइट करवाते थोड़ा बोराटे साहब, देखिए तो क्या आपके 10 सेकंड लीजिए। 105 विधायक उसमें थे आपको, जब उन्होंने साधन संगठन तोड़ा था शिवसेना का, तो क्यों बना दिया इसको भाई? 105 में भावनाएं खराब नहीं होंगे 2.5 साल तक? ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट द्विवेदी साहब, ठीक है ठीक है। द्विवेदी साहब, हम उदारता के लिए जाने जाते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को बना के रखा है ना, चलिए ठीक है, ठीक है। बोराटे साहब देख लीजिए, अब जो स्पष्ट बात निकलकर सामने, क्या आपके नेता यानी एकनाथ शिंदे साहब ने आत्मचिंतन किया और नैतिकता के नाते इस उदारता को प्रकट किया कि भाई संख्या बल में हम थोड़े पीछे रह गए इसीलिए हम सीएम नहीं बनेंगे, ऐसी बात है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कहा भी ये नहीं कहा कि हम शिंदे साहब को फिर एक बार मुख्यमंत्री करने वाले नहीं है। तो और मैं आशा करता हूँ कि बीजेपी हमारे सहयोगी दल है, हम महायुति में काम करें, बिल्कुल भी विरोध में कौन सा बयान अपना जाना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ताकतवर पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना, तीनों ने मिला के अभी ये सरकार बनाई है। और अभी बात सीधी है, पिछले 2.5 साल में एकनाथ जी साहब ने बहुत अच्छा तरह से महाराष्ट्र में काम किया है। जो भी योजनाएं लाए, जो वो लोगों में जो वो मिलकर जुल के रह रहे, तो उनको भी आशा है कि एक बार फिर मुझे महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए अगर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अगर परवानगी दे दी तो अच्छा रहेगा। नहीं ठीक है, परवानगी तो दे दी, लेकिन ये परवानगी तब मिलेगी जब आप हथियार डालेंगे और उसके बाद परवानगी मिलेगी? नहीं नहीं, एक्चुअली उन्होंने हथियार डाला है ऐसा नहीं है, उदार मन दिखाया ना, उदार मन नहीं। हाँ, उनको महाराष्ट्र में ये मैसेज देने का है, 2 साल पहले आदरणीय देवेंद्र जी ने बहुत हंसमुख से उन्होंने बोला कि हम एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में आज सरकार चलाने वाले है, शिंदे साहब अभी मुख्यमंत्री रहने वाले है। देवेंद्र जी ने जिस भावनिक रूप से उन्होंने महाराष्ट्र को मैसेज दिया कि हम सब एक है, हमें कोई भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना हमें कोई भेदभाव है हमारे महायुति में, उसी दरमियान
एकनाथ जी शिंदे साहब ने, उन्होंने भी महाराष्ट्र को मैसेज दिया है कि हम सब साथ गए हैं। हाँ हाँ समझ गए, ठीक है बोराटे साहब समझ। अब देखिए अब ठीक नहीं समझ गए आपकी बात। देखिए अब द्विवेदी साहब कहाँ हम इधर उधर की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में देखिए उदारता और नैतिकता की बयार चल रही है, इसको मानना पड़ेगा। देखिए कहाँ लड़ाई होती है मुख्यमंत्री पद हथियाने की, और यहाँ पे देखिए कितने अच्छे खुले मन से लोग मुख्यमंत्री पद छोड़ गए। उदारता में आ रहा हूँ सर। हाँ आइए आप भी आइए। हाँ उदारता की बात बता, दल बदल कानून में ये है कि अगर कोई दल किसी पार्टी से अलग होता है वो किसी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ज्वाइन नहीं जा सकता। वो अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो दूसरा दल उसको समर्थन कर सकते हैं। तो उदारता इसमें कहां थी, बाकी दल बदल कानून की धज्जियां उड़ा दी। एक दल बदल कानून जो रखा है उन्होंने सिर्फ कि इनकी मजबूरी थी इनको बनाना, और देवेंद्र फडणवीस की मजबूरी थी मुख्यमंत्री बनना, क्योंकि उनको कब्जा करना था 5-2.5 साल बाद जो उन्होंने कब्जा कर लिया। इतने उदारता उदारती पूर्वक थे तो आज क्यों उदार हो रहे आज क्यों उदार हो रहे ये इनको मजबूरी थी उसमें उन्होंने सपा विधायक थे जो उदारता नहीं दिखा पा रहे तो 5 उदारता क्यों मजबूरी। ठीक है एक करके बुराटे साहब ऐसे कुछ समझ नहीं आएगा। हाँ द्विवेदी साहब की बात समझ गए, आप क्विक जंप इन करना चाहते हैं कर लीजिए बुराटे साहब। नहीं नहीं अगर अगर जो है बदमाशी की जिंदगी अजीत पवार ने इनकी पार्टी तोड़ देंगे, जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी इनकी पार्टी तोड़ बैठा देंगे, चाहे अजीत पवार हो चाहे जिंदे हो, ठीक करके रहना पड़ेगा ना। हाँ तो डर के राम राम कहना पड़ेगा, राम राम हेलो जी राम 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 साहब ठीक राम साहब ठीक है। बुराटे साहब बोल लीजिए अब आप। हाँ हाँ द्विवेदी साहब समझ गए। हाँ ओके 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 द्विवेदी साहब बुराटे साहब सीधी एकदम बात है। हाँ किसी एक की सरकार बन नहीं सकती, इसके बावजूद सब सरकार सब पार्टी एक मिलजुल के काम कर रही, वो महायुति रहने दो या महाविकास आघाड़ी रहने दो। ठीक अगर महाविकास आघाड़ी इनकी इनकी मजबूरी है, इनके बावजूद वो उद्धव ठाकरे के लिए उनको उन्होंने साथ में लिया। शरद पवार जी की वो मजबूरी है, इसके लिए उन्होंने कांग्रेस को साथ में लिया। शरद पवार जी सोनिया गांधी परदेशी है, उसके कारण वो पार्टी छोड़ के उन्होंने अलग पार्टी बनाई, फिर भी वो उनके साथ खड़े है। तो मजबूरी की बात मजबूरी का बात नहीं है, मुख्यमंत्री का पद है। शिंदे साहब को उनको लग रहा है कि अगर मैं इस पद पे फिर एक बार बैठूंगा तो मैं महाराष्ट्र को और अच्छी तरह से न्याय दे सकता हूँ। उन्होंने 2-3 दिन समय लिया और उन्होंने जाहिर किया कि बीजेपी जो समर्थन जिसको समर्थन लेगी हम उनके बाजू में खड़े हैं। हाँ मतलब कि बीजेपी ठीक है। हाँ नहीं ठीक है, मतलब बीजेपी संभवतः उनसे बेहतर कार्य कर सकती है, शायद इसलिए उन्होंने सोचा है। आखिरी क्लोजिंग कमेंट आपसे भी लेंगे वत्स साहब, यदि फडणवीस साहब के नाम पर इतना सा भी संशय है रोड ब्लॉक, तो क्या वो मराठा वर्सेस गैर मराठा फैक्टर के चलते है? देखिए ये सारा डिसीजन समझ बूझ कर नेतृत्व लेगा, जो भी नेतृत्व लेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ। और महाराष्ट्र को आगे ले जाने की जो कवायद हम कर रहे हैं उसको आगे भी करते हैं। नहीं क्योंकि तावड़े साहब की कल बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री साहब के साथ 40 मिनट, तो क्या उसके प्रोज कॉन्स एडवांटेज डिसएडवांटेज को लेकर चर्चा हुई? देखिए उस मीटिंग में क्या हुआ इस सब की तरफ पर जानकारी भी हम लोगों को नहीं प्राप्त होती है। ठीक इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है लेकिन जो भी है आप लोगों ने खुले मन से अपनी बातों को रखा, आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। तो आखिरकार आज संभवतः संशय के बादल हट जाएंगे कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, फडणवीस या फिर कोई और सस्पेंस चेहरा, लेकिन जो भी होगा वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के मन से ही होगा। अब देखते हैं सस्पेंस के ऊपर से पर्दा कब हटता है और किसके हाथ में लड्डू होता है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।